Yellow. Oh, unknown. अगर इसने काम किया तो मैं एक नील के लिए भी लेकर आऊंगा। वाओ, इसे देखो, इसने कितनी जल्दी काम शुरू कर दिया। ब्लू व्हेल, एक और आ रहा है। क्या ये नहीं हो सकता, तुम्हें स्ट्रांग होना होगा। चलते रहो, अभी रेडी, स्टॉर्म गन फायर करो। वाओ, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो रॉकी आसानी से जीत सकता है। नहीं, उसके पास बस एक और अटैक झेलने की पावर है और बस। कैसा लगा वीर? ब्लू व्हेल में अब चकमा देने की ताकत नहीं है, है ना? वो इतना आउट ऑफ पावर भी नहीं है, हम अब भी लड़ सकते हैं। बकवास, मुझे पता है वो अब थक चुका है और हमें हरा नहीं सकता। अब मैं इसे खत्म कर दूंगा। रेडी हो जाओ इसके लिए, स्टॉर्म गन फायर। ब्लू व्हेल, सारी एनर्जी यूज करके ब्लू व्हेल बूस्टर एक्टिवेट करो नाउ। और अब ब्लू लाइटनिंग। वाओ, माय गॉड, ब्लू व्हेल की स्पीड वापस आ गई। ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि बूस्टर एक्टिवेशन में सारी एनर्जी यूज हो गई, पर अगर इसे ज्यादा देर तक यूज किया तो ये ब्लू व्हेल के लिए डेंजरस हो सकता है। इससे कुछ नहीं होगा, और स्पीड के साथ तुम टिक नहीं पाओगे वीर। अगर हम ऐसे ही अटैक करते रहे तो तुम क्या करोगे? अब येलो वीर, स्टॉर्म गन फायर। बहुत अच्छे ब्लू व्हेल, हमारे पास टाइम नहीं है, चलो उसे एक बार में खत्म करें। ब्लू बस्टर रेल गन फायर। नहीं रॉकी, क्या तुम ठीक हो? वाओ, ये अमेजिंग था ब्लू व्हेल। ब्रिलियंट, मैंने नील के सिवाय ये स्पीड किसी में नहीं देखी। ब्लू व्हेल सच में बदल चुका है। ब्लू व्हेल, हमने कर दिखाया, चलो फिर से अटैक करें। ओ, तो तुम फाइनल अटैक करने के लिए तैयार हो? फाइन, चलो देखते हैं, अब हमारी फाइनल स्किल यूज करेंगे। पावर कॉइन ड्राइव। जाइंट फिस्ट बॉम्बार। ओ रॉकी, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है नील, ये अमेजिंग है ना? देखो या ओके, सच कहूँ तो मैंने नहीं सोचा था ये इतना अच्छा होगा। कैसा रहेगा, हम ये ब्लड को दे दो, ये एक जाम है, ये कैप्सूल शानदार है ना? मैं उसे एक अननोन सोर्स का कैप्सूल कभी नहीं दूंगा। अच्छा। क्या? हे, ये क्या हो रहा है? ओ नहीं, ये बहुत बुरा है, ये सब हो क्या रहा है यहाँ? लगता है रॉकी के पेट में बहुत तेज दर्द है। सच में एकदम से, पर क्यों? हो सकता है ये उस कैप्सूल से हुआ जो तुमने इसे दिया। क्या, एक एनर्जी कैप्सूल? मुझे सच बताओ, क्या तुमने कहीं और से कैप्सूल खरीदा? हाँ, मैंने इसके बर्थडे के लिए खरीदा था, उन्होंने कहा ये यहाँ का बेस्ट है। ये बहुत सीरियस है, तुम्हें अपनी वॉच कार्स को हमेशा सर्टिफाइड कैप्सूल से देने चाहिए। हमें बताओ सिड, अब क्या होगा, क्या रॉकी जल्दी ठीक हो जाएगा? हाँ, रॉकी उस कंटामिनेटेड कैप्सूल की वजह से बीमार हुआ था। God, what a relief. Hmm.
यस यस मैंने कर दिखाया। तो पेश है एक ऐसा कैप्सूल जो पेट को साफ करता है और पेट दर्द दूर करता है, द क्लीनर कैप्सूल। ये लो रॉकी। ओ रॉकी, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें अब ठीक लग रहा है? पहले मुझे लगा था कि ये कुछ बहुत ज्यादा सीरियस है। मैंने कहा था ना, सिड कुछ भी ठीक कर सकता है। ये सब कभी नहीं होता अगर तुम पहले से ही केयरफुल होते मैडी। मुझे पता है, मैं आपसे केयरफुल रहूंगा। यू रॉक सिड, थैंक यू सो मच सिड। मैं तुम्हें बता दूं कि रॉकी अब बिल्कुल ठीक है। मैं इस दुनिया का सबसे बेस्ट वॉच कार मैकेनिक हूँ। अब तुम बहुत ज्यादा धुआं नहीं फैलाओ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Rocky. Happy birthday to you. Rocky, उसके लिए मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हें ऐसा कुछ कभी नहीं दूंगा। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम पूरे वर्ल्ड में मेरे बेस्ट बडी हो। रॉकी, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हैप्पी बर्थडे। वेल, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, पर एक कंग्रेचुलेटरी परफॉर्मेंस तो बनती है हमारे प्यारे रॉकी के लिए, एंड स्पेशली फॉर यू। क्या आयशा, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। ये तुम हो एक प्यारी वॉच कार। ये तुम हो सबका प्यार। आज रॉकी का बर्थडे। चलो खाते हैं। ये कैसी इंसान है? तुम थोड़ा धीरे खाओ, तुम्हारा गला चोक हो जाएगा। थोड़ा धीरे। ये सच में ब्यूटी है। वैक्यूम क्लीनर की तरह सारा खाना खा लिया। ये सच में सबसे अलग है। ओ वाओ, ये अमेजिंग है। आज की ब्रेकिंग न्यूज। अचानक से शहर की सभी वॉच कार्स को अपने पेट में दर्द होने लगा। वॉच कार से मालिक फिलहाल चिंता में। रिपोर्ट के मुताबिक ये सब वॉच कार्स के लिए खरीदी किसी सस्ती कैप्सूल की वजह से हो रहा है, जिसे खाने के बाद एब्डोमिनल पेन के साइंस दिखने लगे। इस बीमारी के सिम्टम्स बिल्कुल फूड पॉइजनिंग की तरह है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन। ये न्यूज, ये तो रॉकी वाली कंटेमिनेटेड कैप्सूल के बारे में है ना? हाँ, ये वही है। Yes, अब मैं इसे बताता हूँ। रॉकी को परेशान किया, मैं सबक सिखाता हूँ इसको। Come on, let's go. Darling, सिर्फ हम दोनों के लिए केक, क्या ख्याल है? कोई कस्टमर क्यों नहीं है? हमने खबर फैला दी थी। ये सब बंद करो, कोई नहीं आ रहा। अब तुम मेरी बात सुनो। मुझे ये बताओ कि तुम ये सब वॉच कार्स को क्या बेच रही हो? एक कैप्सूल, बेशक पेट दर्द वाला कैप्सूल। बेवकूफ, तुमने ये सब उन बच्चों को क्यों कहा? सर, ये सब गलत फहमी है। हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल ऑथेंटिक और अच्छे इंग्रेडिएंट से बना है, बेस्ट इंग्रेडिएंट से। तुम किसको पागल बना रही हो गर्ल? उस फेक कैप्सूल की वजह से रॉकी बीमार हुआ और हम सब इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए, राइट रॉकी? ये सब धोखा है ना? मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। मैंने कहा ना, ये जेन्युइन कैप्सूल है, और कितनी बार बताऊं तुम्हें? अरे, तुम हो कौन और ये तुम क्यों कर रही हो? अब तुमने पूछा है तो मैं बता देती हूँ।
हम एक टीम है। हे, हम हैं अंधेरों के नीचे रहने वाली परछाइयों के चेहरे। काया, रॉबी, हम हैं द ब्लैक शैडो। अब सारी वॉच कार्स हमारी मुट्ठी में होगी, हम जीतेंगे। हम उन्हें हथियार लेंगे, इस्तेमाल करेंगे, परेशान करेंगे और हावी हो जाएंगे जैसे भी हम चाहेंगे। क्या कहा? मैं तुम्हें वॉच कार्स को बुली नहीं करने दूंगा। तो तुम क्या करोगे बोलो? रॉबी, उसे अभी डिस्पैच करो, अभी क्या अभी? वो क्या है? क्या क्या? इडियट, मॉन्स्टर वॉच कार को अभी डिस्पैच करो। मैं समझ गया, मॉन्स्टर वॉच कार हाजिर हो। ये क्या चीज है?